वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हनुमान जयंती का दिन लोग भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया और जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं के त्योहार को फिर से निशाना बनाया। हिंदुओं पर हमला सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में भी हुआ। यहां भी शोभा यात्रा पर पत्थरों से हमला किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी में जुलूस निकाल रही भीड़ को जिहादी मानसिकता वालों ने तलवारों और पत्थरों से शिकार बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव से बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव वालों के साथ हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब डाडा पट्टी गांव में मुसलमानों के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए कट्टरपंथी मुस्लिमों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और इसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर पत्थर पड़े हैं और कई घायल लोगों को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस घटना के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर कुछ कट्टरपंथियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया और कई लोग इस हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह सब कुछ नियंत्रण में होने की बात कहते हुए बताया कि हिंसा को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कई इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही भाजपा नेता कमल मिश्रा ने कहा, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करने लगी है। इनके एक एक के कागज चेक करके गैरकानूनी घुसपैठियों को देश से खदेड़ कर बाहर निकालना जरूरी हो गया है। जहांगीरपुरी उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है। इस घटना की तस्वीरें देखकर 2020 में हुए दंगे याद आ गए हैं, जब ऐसे ही मासूम लोगों को निशाना बनाकर उनको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। अब कल जहांगीरपुरी में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को केंद्र का जिम्मा बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।